इस बीच हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, हादसे में यूपी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मामले में कुल 6 अधिकारियों पर गिरी आगाज। हाथरस के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर को भी और चौकी इंचार्ज पर भी गाज गिरी है। चौकी इंचार्ज कचौरा और चौकी इंचार्ज पूरा सस्पेंड किए गए। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 6 लोगों को निलंबित किया गया। इन अफसरों का निलंबन हुआ है। राघवेंद्र कुमार उप जिलाधिकारी है सिकंदरा राव, आनंद कुमार सीओ है सिकंदरा राव, सुशील कुमार है तहसीलदार सिकंदरा राव, आशीष कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना सिकंदरा राव, कचौरा चौकी प्रभारी मनवीर सिंह। आयोजकों की लापरवाही से ये हादसा हुआ बताया जा रहा। रिपोर्ट में भीड़ को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। तो इन सभी अफसरों पर गाज गिरी है। एसडीएम पर भी गाज गिरी है, क्योंकि उन्होंने परमिशन दी थी, लेकिन परमिशन के बाद उन्होंने ये नहीं जानने की कोशिश की, जहमत उठाई कि आखिरकार कितने लोग आ सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिसमें आपको बता दें सिकंदर राव के एसडीएम पर गाज गिरी है, राघवेंद्र कुमार हैं, इसके अलावा आनंद कुमार सीओ हैं उन पर गाज गिरी है, सुशील कुमार तहसीलदार, आशीष कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना सिकंदरा राव, कचौरा चौकी प्रभारी मनवीर सिंह पर भी गाज गिरी है। तो अब अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गया। 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिसमें एसडीएम और सीओ और तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया लापरवाही बरतने के चक्कर में। दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट पहुंची थी और रिपोर्ट के बाद अब तुरंत एक्शन लिया गया इस मामले में। जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो एसडीएम और सीओ और तहसीलदार सस्पेंड कर दिए गए, इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज पर गाज गिरी है। यह बड़ी जानकारी है।